प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड डेयरी समिट में हिस्सा लेने ग्रेटर नोएडा पहुंचे। तकरीबन 48 साल के बाद भारत को समिट की मेजबानी करने का मौका मिला है। 4 दिवसीय कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश विदेश के 156 विशेषज्ञ इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे किसानों को अत्याधुनिक जानकारी मिल सकेगी। समिट को संबोधित करते हुए पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने संबोधित किया। उनके उद्घाटन संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। उद्घाटन की शुरुआत में पीएम मोदी ने एक शॉर्ट फिल्म भी जारी की। पीएम मोदी ने बताया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से तकरीबन 74 लाख किसान जुड़े हैं। वहीं पीएम मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट को संबोधित करते हुए क्षेत्र में भारत के दबदबे का जिक्र किया। इससे पहले पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि 4 दिवसीय इस वैश्विक सम्मेलन में कुल 24 सेशन होंगे और जिन्हें 156 विशेषज्ञ संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने समिट के पहले दिन अपने संबोधन में बताया कि दुनिया भर में डेयरी सेक्टर 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में ये सेक्टर 6% की रफ्तार से बढ़ रहा है। उन्होंने सेक्टर में महिलाओं की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डेयरी सेक्टर में काम करने वाले कुल वर्कफोर्स में 74% महिलाएं हैं।